डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, बोले खिसक रही है इनकी जमीन। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भाजपा किसी भी हाल में कमल खिलाना चाहती है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में जहां अखिलेश और शिवपाल मैदान में हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज हुक्कार भरी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साके के समर्थन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऊसराहार के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की जमीन खिसक रही है। चाचा शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर व इटावा का अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री मानते थे, पर अब सुरक्षा हटने से बिलबला रहे हैं। अभी तो जांच चल रही है, दोषी पाए जाने पर हो सकता है चाचा और भतीजे दोनों ही जिंदगी जेल में बिताएं। सपा ने कन्नौज में डिंपल को जिताने के लिए किया था सत्ता का दुरुपयोग। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि यहां जिला पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी भी जांच होगी। केशव बोले, आज जब भू माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो इन्हें दर्द हो रहा है। कह रहे हैं कि भाजपा प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। जब सपा सत्ता में थी तो प्रशासन का दुरुपयोग कर कन्नौज से डिंपल यादव को जिता दिया गया था। आप सबको मैं यहां सुनता था, श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं। और अभी मैं बताना चाहता हूं इस मंच से, अभी तो जांच चल रही है, हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। यहां जिला पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, एक एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। आप जब सत्ता में थे तो कन्नौज लोकसभा से अपनी पत्नी यही डिंपल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनाया था, याद है आप लोगों को? नहीं। और लेकिन जब चुनाव हुआ तो आप सुब्रत पाठक जी जीत करके भारत की संसद के सदस्य बनकर के पहुंचे।